हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डेज़। सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डेज़ ने एक अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट किया है, से नो टू सुसाइड। उसी के बारे में आज एडवोकेट वहाज बाबा साहब से बात करने के लिए हम आए हैं। सर, हमारे चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूँ। सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ दिन पहले एक बागवान बिरादरी के नौजवान लड़के ने सुसाइड किया था, हालिया में एक बॉलीवुड एक्टर ने, और इस 2020 में कई सारे बड़े बड़े हस्तियों ने सुसाइड को ही अपना फाइनल डेस्टिनेशन प्रॉब्लम्स का समझकर उसको अटेम्प्ट किया। तो आपकी तरफ से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो भी अगर सुसाइड करने की कोशिश में है या करना चाह रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग परेशान हैं, नुकसान में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपकी तरफ से कोई अवेयरनेस मैसेज? पहले तो मैं द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डेज़ के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है ये कि सुसाइडल थॉट्स जो आते हैं वो हमारे पास ज़्यादा डिज़ायर्स होने से आते हैं। तो इसे अब सुशांत ने जो सुसाइड किया है वो इतना एक्सट्रीम स्टेप, इतना एग्रेशन, ये पब्लिक फिगर है, तो एटलीस्ट ऐसे लोगों ने बड़े ही रॉन्ग प्रेसिडेंट, रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया है सुशांत ने। बिल्कुल अफसोस तो है, उनका डेथ हो गया, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि अगर ऐसे लोग सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है, तो ऐसा रुकना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर्स जितने कम करेंगे आप, उतना आपका डिप्रेशन कम होगा, टेंशन कम होंगे और सुसाइड भी कम होंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, रिलीजियस फीलिंग्स अपने पास डेवलप करने की ज़रूरत है, और जो भगवान अल्लाह जो हमें दे रहा है उसके ऊपर किनायत करने की ज़रूरत है, जो मिल रहा है उसके ऊपर शुक्र करने की ज़रूरत है। अगर हम डिज़ायर देखिए, इसीलिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया गया कि अगर रिलीजियस टाइप में अगर जा रहे हैं, तो आप अगर दीनी मामले में जा रहे हैं तो अपने बड़े वाले को देखो, दीनदार कितना बड़ा है उसको देखो। अगर दुनिया में जा रहे हैं तो आप अपने छोटे वाले को देखो। अगर आपके पास कोई, आप मेरे पास हाउस ओनर हूँ, मैं देखूँ कि रेंट वाले कैसे जी रहे होंगे। रेंट वाला अगर डिप्रेशन में आ रहा है तो वो देखे होमलेस आदमी कैसा जी रहा है, होमलेस आदमी देखे कि वो फुटपाथ पर भी लोग जी रहे हैं। आपने लॉकडाउन की बात कही, हम ऐसा सोचते थे कि फलां शख्स सुबह से शाम तक कमाए तक शाम में चूल्हा नहीं जलता। आप बताइए कि 3 मंथ्स से पूरा कम्प्लीटली लॉकडाउन है, उसके बाद में से भूख से कौन, कितने लोग मरे हैं, कितना परसेंटेज मरा है? कोई नहीं मरे हैं भूख से। अब 3 मंथ्स का रेफरेंस हमारे सामने है, 3 मंथ्स में अल्लाह ताला ने किसी ना किसी तरीके से इंतज़ाम किया है। तो हमें चाहिए कि डिज़ायर्स कम करें और भगवान पर, अल्लाह पर, गॉड पर एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस करें कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह के ज़रिए से हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हम जो चाहते हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरे अगर होंगे तो अब मैं MLA बनना चाहता हूँ, मैं मेरे चाहने से नहीं होंगे, अल्लाह के चाहने से होंगे। आप दुनिया के सबसे बड़े जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आपके चाहने से नहीं होंगे, अल्लाह भगवान चाहने से ही होंगे। मगर हमारे हाथ में मेहनत करना है, कोशिश करना है। सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तो लिहाजा हमें ये सुसाइडल थॉट्स लाने से पहले हमें थोड़े से स्पिरिचुअल रिलीजियस फीलिंग्स लाना है और अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल यकीन करना है, क्योंकि ये दुनिया जो है, हमें ख्वाहिशात ये दुनिया पूरा करने की चीज़ नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए कैद खाना है। यहाँ पर हमारे डिज़ायर्स कितने फुलफिल होंगे, अगर हम सही तरीके से हमारे गुड डीड्स यहाँ पर करेंगे तो 100% आखिरत में हमें इसका हमारे डिज़ायर्स फुलफिल होने की जगह आखिरत है, ये हमारे लिए कैद खाना है। इसीलिए कई एक उलमा इकराम ने यह कहा कि जो सुसाइड होकर मरता है और इसे ये जानकर मरता है कि यह हलाल है, तो उसकी नमाज जनाजा में लोग जाकर, मतलब डिग्निटरीज, इंटेलेक्चुअल्स, रिलीजियस हेड्स, ये लोग नमाज जनाजा पढ़ नहीं सकते। तो इतनी ख़तरनाक बीमारी है ये, सोसाइटी में डे बाई डे फैलते जा रही है, मगर सुसाइड किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है।